दिस इज चंदन गौतम एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन विच इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ होलो स्फीयर और वी कैन से कंडक्टिंग स्फीयर। आज हम बात कर रहे हैं किसी वजह से सॉलिड स्फीयर या उसी को मैं नाम दे देता हूँ क्या नॉन कंडक्टिंग क्या बोल देता हूँ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में ठीक है। अब देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूँ मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूँ तो कोई भी स्फीयर जो होगा वो सॉलिड का होगा जब अंदर क्या कर दूँ उसके चार्जेस को फिल कर दूँ वही उसके लिए अपने पास तीन सेम कंडीशन आएंगे एक पॉइंट होगा आउटसाइड दूसरा होगा ऑन द सर्फेस और तीसरा पॉइंट होगा इनसाइड द सर्फेस इनसाइड द स्फीयर ठीक है। चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहला केस बात करते हैं ये हो गया हमारा सॉलिड स्फीयर ठीक है। कंडीशन कौन सी है व्हेन पी इज आउटसाइड पी का है आउटसाइड बाहर किसी पॉइंट ठीक है ये सॉलिड स्फीयर हो गया। रेडियस इसकी मैंने मान ली पहले तो उसको सॉलिड बना देते हैं ठीक है। उसकी रेडियस अपन ने मान ली कितनी कैपिटल आर और इससे आउटसाइड आर डिस्टेंस पर हमारे पास कोई पॉइंट है ठीक है बच्चों मत बात समझे। अब देखो जैसे मैं बात करूंगा सॉलिड स्फीयर के लिए पी पॉइंट पे बाहर के किसी पॉइंट पे निकालना है तो इन्फिनिटी से लेकर हमारे चार्जेस को कहां तक पी पॉइंट पे इफेक्ट देखना है मुझे दैट मींस मेरे पास जो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल कितना होता है ए डॉट डी आर होता है और इंटीग्रेशन होगा कहां तक इन्फिनिटी से लेकर हमारा स्मॉल आर तक कोई डाउट इसके अंदर ठीक है बच्चों इसका कोई डाउट फिर जैसे मैं इस पर आगे बात करूंगा तो इसके लिए अपन पहले भी वैल्यू निकाल चुके हैं जो वैल्यू निकल गया एक अपने पास कितनी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर याद है आप लोगों को या फिर मैं सिंपली क्या करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी टू आर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया था देखो पिछले वाले हम कर चुके हैं यहाँ पे इतना टाइम नहीं लेंगे वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है। तो ये जो निकल के आया था अपने पास में वी वो कितना निकल के आया था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर निकल के आया था ठीक है। कब जब पी पॉइंट हमने कहा था आउटसाइड का बाहर के ठीक है बच्चों। अब अगर मैं बात करूँ किसी सेकेंड केस क्या है व्हेन पी इज ऑन द सरफेस भी अपना सरफेस के ठीक है। जैसे सरफेस के ऊपर आएगा मैं इसी डायग्राम में चेंजेस कर रहा हूँ ये पॉइंट भी शिफ्ट होते 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 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सरफेस के ऊपर आएगा ठीक है। जैसे सरफेस के ऊपर आएगा तो ये जो स्मॉल आर था पहले केस में तो क्या था आर जो था ग्रेटर देन कैपिटल आर था यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर को मुझे एक्सप्रेशन निकालने की रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है मैं इसी में क्या करूँगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई क्यू अपॉन स्मॉल आर के लिए आपके पास कैपिटल आर आ जाएगा तो ये मेरे लिए इसके लिए वैल्यू निकल के आएगी पोटेंशियल ऑन दी पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ दी सॉलिड ये दोनों के सिमिलर है पहले की तरह। अब जो डिफरेंस आएगा वो हमें क्या करना है जब पी पॉइंट सॉलिड या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कहाँ चला जाएगा अंदर चला जाएगा कहाँ चला जाएगा बच्चों अंदर चला जाएगा ठीक है। थर्ड केस जो कि इसमें समझने लायक केस है वो थोड़ा सा डिफरेंस भी है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से उसको अपन देखते हैं। अब ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया अपने पास मूव करते हुए यहाँ अंदर ठीक है कहाँ पे शिफ्ट हो गया यहाँ ये पी पॉइंट है ठीक है ये ओल्ड केस है ठीक है। अब देखो पहले चार्ज आएगा कहाँ से इन्फिनिटी से क्या आएगा कैपिटल आर इसके सरफेस के ऊपर तभी तो अंदर लेके जाऊंगा मैं उसको तो मेरे पास जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ ए डॉट बी आर इन्फिनिटी टू कैपिटल आर सरफेस तक लेके आऊंगा माइनस
अब आर से कहाँ जाना मुझे, स्मॉल आर तक, आर से जाना होगा स्मॉल आर तक अभी ई डॉट डी। इसमें कोई डाउट पूछो, वही से कुछ भी नहीं गया, इन्फिनिटी से लिखा सकते सरफेस से अगर अंदर की पॉइंट तक गया, ठीक है। चलो अब देखो इसका इंटीग्रेशन अपन सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/4 πε0 q/r। अगला सम कर चुके हैं अपन इन्फिनिटी से आर लेके, तो सरफेस वाले जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, माइनस। अब देखो इसकी बात करो तो मेरे पास आर टू स्मॉल आर जाएगा 1/4 πε0 q/r, ठीक है। और अपने पास जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v = 1/4 πε0 q/r माइनस ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास q/4 πε0 बाहर आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से q को यहाँ रखो तो r/r³ हो जाएगा। देखो यहाँ से ये सारे वैल्यूज अपने पास क्या है, कॉन्स्टेंट, q/4 πε0 r³ निकाला, यहाँ कितना बचा, r इंटीग्रेट होगा r² दिया, यहाँ पे dr के टर्म में आएगा, ठीक है। अब जैसे इसकी वैल्यू में सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा अपने पास में v = 1/4 πε0 q/r, यहाँ पे एज इट इज, ठीक है, माइनस ऑफ q/4 πε0 r³, एज इट इज। इसका कितना हो जाएगा, r² / 2, दैट इज r² / 2 r² यही होगा, ठीक है। जैसे ही अभी मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर की तरफ लिख दो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, v = 1/4 πε0 q, बाहर आ जाएगा तो q/4 πε0 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, मैंने कॉमन रख दिया, यहाँ से कितना बचेगा 1/r माइनस ऑफ 1/r³, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, जाएगा कितना अपने पास में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब r² / 2 माइनस ऑफ r² / 2, ये बचेगा। अब देखो यहाँ पे v = q/4 πε0, ठीक है। यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास जो बचेगा 1/r - 1/2r³ हो जाएगा, मतलब r² - ऑफ। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, r² था, यहाँ पे कितना है r³, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा 1/2r बचेगा, माइनस में कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई डाउट उसके, ठीक है। अब जैसे ये वैल्यू आई थी यहाँ से, मैं बात करूँ एलसीएम का, एलसीएम कितना आ गया अपने पास में, 2r³ एलसीएम आ गया, बाहर कितना अपने पास में v = q/4 πε0, ठीक है। और इधर देखो 2r³ से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 2r², यहाँ 2r³ से तो बचेगा r², यहाँ कितना बचेगा प्लस ऑफ 2r से 2r³ पर डिवाइड करूंगा तो 2r² बचेगा, 2r² + r² 3r², तो v = q/4 πε0 3r² - r² / 2r³ बचेगा अपने पास, ये मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, देखो इसको यहाँ पर मेरे पास जगह है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ कितना बचेगा v = q/4 πε0, यहाँ पे 3r² / 2r³ करूंगा तो कितना होगा 3/2 आ जाएगा, मतलब ये बच जाएगा 1.5 r बचेगा अपने पास, ठीक है, ये बचेगा अपने पास एक्सप्रेशन जो बचेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको इधर के लिए r 1/2, तो 1/2 का मतलब हो गया 0.2 r, कोई डाउट बच्चों इसके अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ समझा देंगे, यहाँ से क्या है अपने पास, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो जैसे ये वैल्यू निकल गई तो अपने पास ये फॉर्मूला निकल गया। अब अगर मैं इसी को एक छोटा सा काम आप लोगों को दे रहा हूँ, ये जितने भी इक्वेशन अपने पास आए थे इनका अपने को क्या निकालना है,
एक्सप्रेशन निकाले, अब इनको कर्म में, जैसे अपन ने होल स्क्वायर के लिए किया था, कर्व के अंदर आप लोग इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे और कर्व बना के या तो कमेंट सेक्शन में डालें या फिर मुझे मेरे नंबर पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं 9588834700। बस करना इतना है कि आपको कर्व ड्रॉ करना है और आप मुझे बताएं, या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को कर्व इसका किस तरीके से निकल के आएगा हम उसके बारे में बात करें। ठीक है बच्चों, अगर नहीं करोगे तो आप लोगों को नुकसान है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है फॉलिड स्फीयर के लिए, होल स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग के। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाकी इसको रिवाइज करो। थैंक यू।